मुंशी जी आज तो बात हर जुमेरात मगरिब वेले वड्डे पीर साहिब दे मज़ार ते तुसी न्याज चढ़ानी है ते कोई कमी बेशी ना थियो अपनी निगरानी च तुसा आप कराना है ते जैन भी मेरे नाल जासी तुसा फिक्र ही ना करो बीबी साईं सब खैर होसी खैरी सलाह ध्यान नाल सारा कुछ रखा कोई चीज रह ना जाए क्या हो रहा है मसला कहाँ की तैयारी है सदके थीमा तेरे लिए न्याज मंगी है अब जब तक तेरी वोटी सवेली में आनी ना जाती हर जुमेरात वड्डे पीर साईं दे मज़ार ते मैं जाके खैरात करसा ते न्याज चढ़ासा Oh, come on, अम्मा सर दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और अभी आप लोग इन चक्करों में क्यों पड़े वो भाई जी भी हर हफ्ते मज़ार का चक्कर जरूर लगाते हैं क्या जरूरत है इन सब ना पुत ऐसी गाल नहीं करते इन दरबारों के बड़े एहसान है हम पर अल्लाह साईं के नेक बंदे वहां आराम करते हैं लेकिन अम्मा सैम आपने खुद ही तो हमें सिखाया था कि नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में होता है वो भी सबकी तकदीरें भी लिखता है नहीं बेशक गुना शुबा सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है पर पुत्र अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश तो कर सकते हैं ना बस वसीला है ऊपर वाले तक अपनी अर्जी डालने का ठीक है अम्मा साहब जैसी आपकी बस हाँ बस मुझे वहां जाने का मत नहीं मैं गया था एक दफा भाई जी के साथ मजार पर वहां मुझे एक मंजूब मिला था कुछ अजीब ही बातें कर रहा था क्या कह रहा था कुछ पता नहीं मुझे सफर करने से मना कर रहा था फिर कहने लगा कि अगर तेरी यही मर्जी है तो जा कर ले सफर फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था मुझे तो बहुत ही अजीब लगा वो ना पुतना मलंगों को अजीब नहीं कहते उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं दुआ के लिए